जय हिंद मित्रों, मैं डॉक्टर सुशील पटेल जेएन कॉलेज मधुबनी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में। आज हम आप लोगों को ज्योग्राफी के कुछ प्रैक्टिकल के बारे में बताने जा रहे हैं। यह प्रैक्टिकल 12th और डिग्री 1 में यह प्रैक्टिकल पूछा जाता है। जो निकालना क्या है कि आपको जो है ऑर्थोमैटिक मीन यानी समानांतर माध्य निकालने के लिए जो कुछ डाटा दिया गया है जिससे आपको समानांतर माध्य ज्ञात करना है। अब देखिए यह क्वेश्चन क्या है, यानी कि देख रहे हैं कि समानांतर माध्य निकालने के लिए है। तो यहाँ क्वेश्चन है कैलकुलेट ऑर्थोमैटिक मीन ऑफ डेली वेजेज ऑफ लेबर, यानी किसी भी चीज़ का डाटा हो सकता है। मजदूर का जो वेतन मिलता है उसका डाटा हो सकता है, बच्चे के जो एकेडमिक मार्क्स जो होता है और उसके मार्क्स को भी हम लेकर, कुछ बच्चे के समूह के जो मार्क्स लेकर उसका भी हम मीन ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ जो है समानांतर माध्य यानी ऑर्थोमैटिक मीन यानी समानांतर माध्य ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होता है उसको देखिए। जितने भी अगर मजदूर है या स्टूडेंट है, किसी की संख्या दी गई है और दूसरे तरफ या तो उसका अगर बच्चे के अगर मार्क्स पे अगर होगी तो क्या है कि आपको एक तरफ उसका मार्क्स होगा, दूसरे तरफ बच्चे की श्रेणी होगी। ठीक, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपको लेबर, कुछ लेबर है, उस लेबर की जो मजदूरी दिया जाता है उस मजदूरी का डाटा है जिससे आपको ऑर्थोमैटिक मीन यानी समानांतर माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए कि यह एक लेबर है और दूसरे तरफ उसको डेली वेजेज कितने रुपया अगर मिलता है, पर डे जो है कितने रुपया मिलता है। तो आप देख रहे हैं एक राम है जिसको 550 रुपया प्रत्येक दिन उसकी मजदूरी मिलती है। दूसरा है रहीम जिसको आपको 650 रुपया के हिसाब से प्रत्येक दिन उसकी मजदूरी मिलती है। तीसरा सोहन है यानी जिसको 700 रुपया मजदूरी मिलती है। उसी प्रकार मोहन है जिसको 750 रुपया मजदूरी मिलती है। उसके बाद देखते हैं मनु है जिसको 800 रुपया मजदूरी मिलती है। तो आपने देखा कि एक तरफ पांच मजदूर है, दूसरे तरफ उस पांचों मजदूर को अलग अलग जो मजदूरी मेहनताना जो है कि उपलब्ध हो रही है। तो अब इसका हमको मीन ज्ञात करना है यानी समानांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समानांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, समानांतर माध्य बराबर यह सभी मजदूरों की जो है उसकी जो पेमेंट जो हो रही है उसको ऐड करते हैं। तो इसकी फॉर्मूला क्या है कि देखिए, राम प्लस रहीम प्लस राम का जो वेतन होगी प्लस रहीम का जो वेतन है प्लस सोहन का वेतन है, मोहन का वेतन है, मोनू का वेतन है, ये सभी वेतन को प्लस करते हैं और वाई एल लिखते हैं जिसको आप फॉर्मूला में कह सकते हैं सिग्मा एक्स बाई एन, यानी यह जो मजदूरों को जो मजदूरी मिलती है उसको जब जोड़ते हैं तो वह सिग्मा एक्स होता है और एन जो होती है नंबर ऑफ मजदूरों की संख्या होती है। तो आपने यहाँ देखा कि पांच मजदूर हैं और सभी मजदूरों की पेमेंट जो है अलग अलग है। तो देखिए राम का पेमेंट 550 रुपया है, तो 550 प्लस रहीम का पेमेंट, तो रहीम का पेमेंट 650 रुपया है, तो प्लस जो है कि सोहन का पेमेंट यानी 700 रुपया है, प्लस जो है कि मोहन का पेमेंट 750 रुपया है, तो प्लस फिर क्या है मनु का पेमेंट यानी 800 रुपया है। तो हम क्या करते हैं
550 प्लस 650 प्लस 700 प्लस 750 प्लस 800 बाई एन की वैल्यू जो होगी, यहाँ पांच मजदूर है तो बाई फाइव करते हैं, जब इसको ऐड करते हैं तो यह ऐड हो जाती है। तो देखिए कि यह ऐड होने पे कितना होता है, तो आपको यानी 3450 रुपया होता है। तो क्या होगा कि 3450, जैसे देखिए यहाँ पे एक स्टेप जैसे आप देख रहे हैं, तो जैसे इसको ऐड करते हैं यानी देखिए कि यहाँ क्या है, जब इसको ऐड कीजिएगा तो यह क्या होगा कि जैसे यहाँ पे आपने देखा कि यह ऐड किए तो ऐड करने पे आ गया 3450 यानी 50 रुपया, और बाई में क्या करते हैं पांच लिखते हैं। जब 3450 को पांच से अगर भाग करते हैं तो यह आता है 690 रुपया। तो यहाँ पे आपने जो देखा यानी 690 रुपया जो है कि यही आपको ऑर्थोमैटिक मीन यानी समानांतर मीन हुआ, यानी मजदूरों का जो औसत मजदूरी कितनी, इसकी मतलब यही होती है कि सभी मजदूरों को जब औसत मजदूरी जब निकाली गई तो 690 रुपया है। इसको ध्यान हमेशा रखिएगा कि आपका कैलकुलेशन सही है कि नहीं। तो देखिएगा जो सबसे मिनिमम मजदूरी जो होती है उससे अधिक होगी, और मैक्सिमम जो मजदूरी होती है उससे कम आती है जो मीन निकालिएगा। तो आपने देखा कि मिनिमम 550 है, मैक्सिमम 800 है, तो 800 से कम जो है कि आपको 690 रुपया है, और 550 से अधिक है 690 रुपया। तो यह चीज को आप ध्यान रखिएगा, अगर कैलकुलेशन में किसी प्रकार की मिस्टेक हो जाएगी तो पता चलेगा या तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी, तो इसको ध्यान रखिएगा। और देखिए कि आप जो है कि आपको जो है वर्तमान में भी देख रहे हैं इंटर का जो प्रायोगिक परीक्षा हो रही है उसमें आपको यह क्वेश्चन हो सकता है कि काम में आ जाए। इसके अपेक्षा देखिए कि आपको डिग्री वन का बिहार यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल का एग्जाम होने वाली है, तो डिग्री वन में भी जो होती है कि आपको यह मीन ज्ञात करने के लिए रहता है। तो जो आपको यह मीन बताई गई है, जो इसकी डाटा जो है कि वेरिएबल कुछ भी हो सकते, तो आप डाटा को लीजिएगा प्लस जितने डाटा होगा उसको ऐड करके और नंबर ऑफ संख्या कितनी है उसे डिवाइड कर दीजिए, जो आ जाएगी वही मीन होगी। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में इसको शेयर करके उनसे सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू मित्रों।